थारे सोने का कैरेट मारे करेक्टर को खराब नहीं कर सके हैं। जी हाँ, बादशाह हो फिल्म के 9 दिन का कलेक्शन मैं आज बताने वाला हूँ आपको। और इस फिल्म में सबसे बढ़िया चीज़ जो अगर आप वापस ले सकते हैं या फिर जो चीज़ें आपके जहन में रह जाएगी वो इस फिल्म का डायलॉग। चलिए बिना देरी करे आपको 9 दिन का कलेक्शंस बताता हूँ। और कलेक्शंस बढ़िया आए हैं और कलेक्शंस आप देख सकते हैं, आपको दिखाई देते होंगे आप कलेक्शंस, ये प्रॉपर कलेक्शंस फिगर्स हैं। आपको सेकेंड सॉरी ये यहाँ तक तो पता ही होगा, थर्सडे तक, राइट, जहाँ तक इस फिल्म ने 96 करोड़ कमाए थे। अब नॉट 96 करोड़, माफ़ कीजिए मैं कन्फ्यूज़ हो गया। थर्सडे तक इसने बहुत बढ़िया कलेक्शंस किया था और उसके बाद थर्सडे तक आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है कुछ 60 करोड़ के आसपास तक का कलेक्शंस किया था। और उसके बाद से ही कलेक्शंस फिगर्स बहुत ही कम होते नजर आ रहे हैं। आई मीन 60, हाँ बिल्कुल 64 करोड़ तक का किया था, माफ़ कीजिए। उसके बाद सेकेंड फ्राइडे कलेक्शन जो है 2.10 करोड़ आया और सेकेंड सैटरडे का कलेक्शन बिल्कुल मेरे आई थिंक मैंने जो एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही आया। मैंने 2 से 2.5 से 3 करोड़ तक का कलेक्शन का फिगर आई थिंक कहा था, प्रेडिक्शन कहा था 9 दिन का, बिल्कुल वही कलेक्शन आया 2.60 करोड़। और इसके साथ फिल्म का टोटल हुआ है 68.24 करोड़। यानी कि फिल्म के कलेक्शंस कम होते नजर आ रहे हैं और कलेक्शंस कम होते नजर आ रहे हैं इसका मतलब ये भी है कि फिल्म आने वाले दिनों में ज़्यादा बेहतर चल नहीं पाएगी और दिक्कत करने वाली है। और अब आपको भी लगता होगा कि क्या ये 80 करोड़ पार करेगी। जी हाँ, सवाल करीबन एक दिन पहले मैंने पूछा था आप लोगों से, क्या ये फिल्म 80 करोड़ तक पार करेगी। मैंने कहा था मुझे मुश्किल लग रहा है, आप लोगों ने कहा था कि कर लेगी। क्या लगता है आने वाले जो भी ये हफ्ता होगा इस हफ्ते में 80 करोड़ तक पहुंच जाएगी? मुझे थोड़ा सा डाउट है और आपको भी समझ में आ गया होगा वो डाउट क्यों है मुझे। बहरहाल, आप कितने खुश हैं इसके कलेक्शन से जो 68.24 करोड़ हो चुके हैं और सेकेंड सैटरडे को इसने 2.96 करोड़ कमाए हैं, यानी कि 90 दिन। आप जरूर बता सकते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।